फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टेक विद सूर्या। तो बेसिकली दिख रहा है तो हमारे पास काफ़ी खास टॉपिक रहने वाला है वीवो के यूनिट्स के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली दिख रहा है तो हमारे पास काफ़ी सब्सक्राइबर भी हैं और काफ़ी यूज़र भी हैं जो कि यूज कर रहे हैं अपने वीवो के V17 Pro के मॉडल को, और उसमें बहुत दिनों से यहाँ पर वेट कर रहे हैं एंड्रॉयड 11 के अपडेट को। तो बेसिकली दिख रहा है तो एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट रहने वाला था वीवो के V17 Pro में, वो यहाँ पर काफ़ी यूज़र को यहाँ पर एक तरीके से रिसीव हो गया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कंपनी ने इसको रोल आउट करना यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। उसका कारण यह है कि जो वीवो का V17 Pro में जो स्टेबल अपडेट यहाँ पर जो रिसीव हुए हैं लोगों को, उसके अंदर में काफ़ी बग्स देखने को मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर भारत ने यहाँ पर एक जानकारी शेयर करते हुए बताया है, वीवो कंपनी को यहाँ पर टैग करते हुए ट्विटर पे यहाँ पर एक ट्वीट करके बताया था कि उनके पास जो वीवो का जो V17 Pro है उसके अंदर एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट है वो यहाँ पर रिसीव हो गया है। लेकिन उसको यहाँ पर इंस्टॉल एंड डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर रहता था उसको यहाँ पर एक अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, और हमारे पास जो स्टॉप हो रहा था स्टॉप वर्किंग है इसकी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो अपडेट में जो एक फीचर आया था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, वो काम नहीं कर रहा है इसको अपडेट को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद। तो साथ ही साथ यहाँ पर अनिल बाबर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बताया था कि वीवो का जो V17 Pro है उसके अंदर एंड्रॉयड 11 का अपडेट हमें कब देखने को मिलेगा। तो इसका यहाँ पर मेन रीज़न यह है कि जो बीटा प्रोग्राम को जैसे ही यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था वीवो का जो V17 Pro में, उसके बाद क्या था कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करते हुए उसको यहाँ पर एक जो बीटा अपडेट रहता है एंड्रॉयड 11 का जो कि वीवो V17 Pro के लिए लॉन्च किया गया हुआ था, उसके यहाँ पर एक डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया था। लेकिन यहाँ पर उसको यहाँ पर जैसे ही एक कंपनी उसको रिव्यू करती है, जब उसमें यहाँ पर कोई भी बग देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसके यहाँ पर जो वर्जन रहते हैं बीटा अपडेट्स के, जिसके यहाँ पर जो बीटा अपडेट्स का जो पहला वर्जन होता है उसमें यहाँ पर काफ़ी बग्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक और अपडेट देखने को मिलता है उसमें यहाँ पर कम बग्स रहते हैं, और जैसे ही यहाँ पर लोग रिपोर्ट करते हैं उस बग्स के रिगार्डिंग, तो कंपनी उसको क्या है कि यहाँ पर एक तरीके से इंप्रूव कर देती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने उसको सारे बग्स को फिक्स करने के बाद एक यहाँ पर स्टेबल अपडेट को यहाँ पर लॉन्च करती है। लेकिन क्या है कि वीवो का जो V17 Pro है उसके अंदर हमें काफ़ी बग देखने को मिल रहे हैं स्टेबल अपडेट में। इसी वजह से क्या है, कंपनी ने यहाँ पर एक जो स्टेबल अपडेट था वीवो के V17 Pro में उसको यहाँ पर करेंटली तरीके से स्टॉप कर दिया है। और जिन लोगों को यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है और उन्होंने यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है, तो उनमें क्या है कि एक न्यू अपडेट आएगा जिसके थ्रू यहाँ पर उस अपडेट को यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। अगर आपके में आ गया है वीवो के V17 Pro में एक अपडेट, तो उसका भी आप इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर में काफ़ी बग देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर आप इसका जो फंटास OS 11 का यूजर इंटरफेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपडेट को यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसके बाद आपको एक डाटा बेस्टी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको अभी डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद एक और अपडेट आएगा, इसका भी साइज में अप्रॉक्स में इसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपके मन में है कुछ सवाल या देना चाहते हैं कुछ सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।